गुड मॉर्निंग क्लासेस. सो टुडे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डू आवर रिवीजन. आज हम हमारा रिवीजन स्टार्ट करेंगे. सो क्योंकि आपके एग्जाम्स है फ्रॉम 14th एंड योर इंग्लिश एग्जाम इज ऑन आई गेस 15th और 16th को होगा. सो वो आपके इसमें वैसे ही आपने पहले भी ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं. जो नए हैं उनके लिए क्या होगा, आपकी बार मल्टीपर्पज क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम दी टेक्स्ट के बीच में से भी आ सकते हैं. एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. आपको उसमें से करेक्ट आंसर चूज करना होगा. तो इसीलिए हम दोबारा से हमारा जो रिविजन है वो चालू कर रहे हैं. जहां भी कोई क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बता दूंगी. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आ रहे हैं. So, there are some dates or periods in the history of the world that are so significant, वो बहुत ही ज्यादा significant है, that everyone knows, जिसे सब जानते हैं. कुछ सारी ऐसी dates होती है महत्वपूर्ण जिन्हें सब जानते हैं and remembers them, और उन्हें क्या करते हैं, remember भी करते हैं, याद रखते हैं. सो द स्टोरी विल यू रीड, यू विल रीड मैंशन सम सच डेट्स. आपको इस चैप्टर की जितनी भी डेट्स है वो सारी याद रखनी है, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके आ सकते हैं. ऑन सच डेट एंड इवेंट अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914. तो दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में कब लड़ाई हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, तो 1914. ओके. I spotted in a junk shop in Bridport a roll top desk. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो राइटर है, what did he spotted? A chair, anything, a table, a fan, या फिर एक roll top desk. तो इसका right answer क्या है, roll top desk. The man said it was early 19th century and oak. तो जो दुकानदार था उसने कहा कि ये 19वीं सदी की बनी हुई है और ये ओक की बनी हुई है. ओक इज अ काइंड ऑफ वुड होती है. आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे ये चाहिए थी, बट देवर टू फार टू एक्सपेंसिव. अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि राइटर क्यों नहीं खरीद पा रहे थे, क्या उनके पास नहीं थी, उन्हें मिली नहीं थी. बट इसका राइट आंसर है क्योंकि वो उनकी अफोर्डेबल नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, महंगी थी. This was in a bad condition. अब ये जो टेबल थी ये बहुत बुरी कंडीशन में थी. The roll top in several pieces, जो ऊपर का roll top है, घूमने वाला जो roll top है, उसके बहुत सारे pieces हो गए थे. One leg clumsily mended, और एक पैर तो बस यूं ही लगा हुआ था कि कभी भी गिर जाएगा. स्कॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ पूरी तरफ स्क्रॉच मार्क हो रखे थे घिसड़ने के. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, जो दुकानदार था वो उसे बहुत ही कम पैसे में बेचने को रेडी था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. रिस्टोर करना मतलब ठीक करना. तो मैंने सोचा कि मैं शायद इसे क्या कर सकता हूँ, रिस्टोर कर सकता हूँ, सही कर सकता हूँ. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज. ये बहुत ही बड़ा रिस्क भी होगा, चैलेंज भी होगा मेरे लिए, बट आई हैव टू डू इट, मुझे ये करना ही पड़ेगा. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. मैं उसे मैन को पैसे दिए, दुकानदार को, और उसे लेकर कहाँ आ गया, अपने गैराज में. अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो उसे लेकर कहाँ गए, अपने घर गए कि कहाँ पे, शॉप पे गए या गैराज में गए. तो यहाँ पे टिक दी करेक्ट आंसर में आपको ये चूज करना है. I began it work on it Christmas Eve. और मैंने क्रिसमस ईव होती है, मैंने हजार बार बताया आपको, क्रिसमस ईव होती है क्रिसमस के एक दिन पहले वाली शाम, उस दिन मैंने इस पर काम शुरू किया. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने roll top बिल्कुल हटा दिया, उसका जो center table था उसका round उसे हटा दिया, और pulled out the drawers, उसके अंदर जो दराजे थी उन्हें निकालना खींचकर शुरू किया. The veneer had almost lifted everywhere. और जो सजावट के लिए ऊपर उसके ऊपर लकड़ी लगी हुई थी वो हर जगह से क्या हो रही थी, उखड़ गई थी हर जगह से. It looked like water damage to me. और मुझे ये लगा कि किसकी वजह से ये water damage के कारण. Both fire and water had already clearly taken their toll on this desk. जो आग और पानी ने पूरी तरीके से इस मेज का क्या कर दिया था, नुकसान कर दिया था. द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट. अब मैंने सारी ड्रॉअर्स तो निकाल ली उसमें से, बट जो लास्ट ड्रॉअर थी वो क्या हो गई थी, उसी के अंदर फंस गई थी. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं उसे जेंटली, बहुत ही कामली उसे निकाल लूं. बट इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स. बट एट द एंड मुझे बहुत जोर लगाना पड़ा.
I struck it sharply with one side of my fist, and drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. मैंने जैसे ही उसे खींच के बाहर निकाला, मैंने देखा कि वहां पे एक खोखला सा स्पेस है और वहां पर एक और ड्रॉर है, एक गुप्त दराज है, एक सीक्रेट ड्रॉर है. There was something in there, वहां पर कुछ था. I reached in and took out a small tin box. मैंने उसके अंदर से एक small tin box निकाला. There was a cello tape to the top of it. It was a piece of lined paper. उसके ऊपर cello tape से एक piece चिपका हुआ था paper का, और उस पर लिखा हुआ था written in a shaky handwriting. Shaky handwriting होती है कांपते हुए हाथों से लिखा हुआ था. जिम्स लास्ट लेटर, जिम का लास्ट लेटर. किसका लेटर? जिम का लास्ट लेटर क्वेश्चन बन सकता है. रिसीव जनवरी 25th 1915. कब रिसीव हुआ? जनवरी 25th 1915. टू बी बरीड विथ मी वेन द टाइम्स कम. और ये मेरे साथ ही बरी हो जाना चाहिए जब सही समय आए. तो यू मस्ट रिमेम्बर द डेट, दैट इज जनवरी 15 टू कौन सी हो गई 1915. I knew as I did it was wrong of me to open the box. ये उन्होंने कहा, उन्होंने ये खुद ने एक्सेप्ट किया कि ये बहुत ही ज्यादा गलत है बॉक्स ओपन करना. But curiosity got the better of my scurps. But ये होता है ना, उत्सुकता होती है किसी भी चीज को देखने की, किसी भी चीज को जानने की. उसके कारण उन्होंने क्या किया, उसको ओपन किया. इट यूजुअली डज, और ये सबके साथ ही होता है कि हमारे सामने कोई ऐसी चीज पड़ी होती है जिसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है और हमें मना कर दिया जाए या हमें कहा जाए कि हमें इसे ओपन नहीं करना है, तो हम जानबूझ के उसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं. ये यूजुअली होता है सबके साथ. Inside the box there was an envelope. और उस बॉक्स के अंदर एक envelope था, एक लिफाफा था. The address read Mrs. Jim MacPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. ये address आपको ध्यान रखना है, उस पर एक address लिखा हुआ था जो कि इसके लिए था, Jim MacPherson के लिए, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. मैंने the letter निकाला और उसे unfold किया, खोला. It was written in pencil and dated on the top December 26, 1914. और उसपे pencil पे ऊपर date लिखी हुई थी December 26, 1914. You must remember the dates and the year also. Okay. चलिए आज हम यहीं तक करेंगे. इफ यू हैव फाइंड एनी प्रॉब्लम जस्ट डू लेट मी नो. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. जस्ट रिवाइज द चैप्टर.